हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंकिता रेसिपी। आज हम बनाएंगे बनाना पैनकेक। ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। आप इसे बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट में, उनके लंच बॉक्स के लिए या फिर शाम के स्नैक्स के लिए बनाकर दे सकते हैं। ये पैनकेक बड़ों को भी बहुत अच्छा लगता है। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे की सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिलेंगी। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है, जिसे क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट चाहिए। 3/4 कप मैदा ग्राम में 100 ग्राम, 1/4 कप गेहूं का आटा ग्राम में 50 ग्राम, एक केला जिसे मैंने छील के ग्राइंड कर लिया है, अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं है तो आप इसे हाथों से भी मैश कर सकते हैं, 2 बड़े चम्मच चीनी, 1.5 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, नमक, 3 इलायची जिसे मैंने कूट लिया है, आप इसकी जगह इलायची पाउडर यूज कर सकते हैं, घी, मिल्क, मैंने यहाँ पे फुल क्रीम मिल्क लिया है। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। सबसे पहले हम बैटर तैयार करेंगे। एक मिक्सिंग बाउल में हम थोड़ी मैदा ले लेते हैं, इसमें आटा मिक्स करेंगे। चीनी, बेकिंग पाउडर, इलायची पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच नमक, सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ड्राई बैटर तैयार कर लेंगे। ड्राई बैटर तैयार हो गया है, इसे साइड में रख देते हैं। अब एक दूसरा मिक्सिंग बाउल या कोई बर्तन ले लेते हैं, इसमें हम केले का पेस्ट डालेंगे, दूध भी डाल देंगे और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ड्राई बैटर डालेंगे और सबको अच्छे से मिक्स करते हुए एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। अब बचा हुआ ड्राई बैटर डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक स्मूथ पेस्ट बनने तक इसे हम अच्छे से चलाते रहेंगे। पेस्ट हमारा थोड़ा थिक है तो इसमें हम 1-2 टेबल स्पून पानी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप पानी की जगह 1-2 टेबल स्पून दूध भी डाल सकते हैं। हमारा पेस्ट स्मूथ हो गया है। अब हम इसमें घी ऐड करेंगे। और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। पेस्ट हमारा रेडी हो गया है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 10 मिनट हो गए हैं। अब पेस्ट को वापस से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक पैन को हम गैस पे रख देते हैं गर्म होने के लिए। मैंने नॉनस्टिक पैन यूज किया है, आप कोई नॉनस्टिक तवा भी यूज कर सकते हैं या नॉर्मल तवा भी यूज कर सकते हैं। इसे मैंने घी से चिकना कर लिया है। अब हम इसमें बैटर डालते हैं और इस तरीके से फैला लेंगे। इसे हम बहुत पतला नहीं फैलाएंगे। नीचे की साइड से हमारा पैनकेक रेडी हो गया है। अब हम इसे दूसरी तरफ पलट लेते हैं और दूसरी तरफ भी अच्छी तरीके से पका लेते हैं। ये दूसरी साइड से भी हमारा पैनकेक रेडी हो गया है। अब इसे हम एक किचन टॉवल पे निकाल लेते हैं और वापस से पैन को घी से चिकना कर लेंगे। ये सारा प्रोसेस हमने लो मीडियम फ्लेम पे किया है। हाई फ्लेम पे इसे बिल्कुल ना पकाएं, नहीं तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। अब हम इसमें दोबारा से बैटर डालते हैं और इसे फैला लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग इसे छोटा बड़ा किसी भी शेप और साइज का बना सकते हैं। इसके किनारों पे हम घी लगा सकते हैं, जिससे कि किनारे आसानी से छूट जाएं और इससे पलटने में भी आसानी होती है। ये पैनकेक हमारा नीचे से हो गया है, इसे अब हम दूसरी साइड से भी पका लेते हैं। दूसरी साइड से भी हमारा पैनकेक रेडी हो गया है, इसे हम किचन टॉवल पे निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम बाकी बचा हुआ पैनकेक रेडी कर लेंगे।
हर बार पैनकेक डालने से पहले हम पैन को घी से चिकना कर लेंगे, जिससे कि हमारा पैनकेक चिपके ना। ये हमारा आखिरी पैनकेक भी बनके रेडी हो गया है। हमने सारा पैनकेक बना के रेडी कर लिया है। जितना इंग्रेडिएंट मैंने लिया था उसमें हमने 12 पैनकेक्स बनाए हैं। आप इस पैनकेक को शहद के साथ, अचार के साथ, बटर के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड परिवार के साथ इसे शेयर करें, अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट में लिख के बताएं। थैंक यू।